अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डेट एंड डेफिसिट्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 है बुक का। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो टॉपिक है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि डेट और डेफिसिट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली डेफिसिट्स क्या होते हैं कि जब भी गवर्नमेंट हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि टैक्सेस जो हैं वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की बेसिकली हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो गवर्नमेंट जो अपनी इनकम जनरेट करती है वो थ्रू टैक्सेस करती है, या एक मेजर पोर्शन जो है वो टैक्सेस के थ्रू आता है गवर्नमेंट की इनकम का। ठीक है, और गवर्नमेंट को पूरे साल के अंदर, ठीक है, एक पूरे फिस्कल ईयर के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर्स भी करने होते हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए, तो वो सारे जो है इंक्लूड होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के अंदर। अब जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम होते हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में है या बजट डेफिसिट में है। ठीक है, अब इसके साथ इसके कॉन्ट्रेरी जो हम सात टर्म देखेंगे वो हम पढ़ेंगे पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक डेट बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, अब हमने सिचुएशन तो देख ली कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में है, ठीक है, कि उसके बजट जो है वो बहुत कम है और उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉरोइंग करेगी। ठीक है, अब वो बॉरोइंग जो है वो नेशनल लेवल पर भी होती है और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड सेल करती है अपने, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो पब्लिक बॉरोइंग करती है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एड्स लोन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लिए जाते हैं जिसके थ्रू जो है अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रन किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो रोल होता है फिस्कल डेफिसिट का वो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन मैनी इकोनॉमिक इश्यूज़। ठीक है, जब देखें फिस्कल डेफिसिट होगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास जब इतने एक्सपेंसेस ही नहीं है कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सके या फिर उतने जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली रन कर सके, ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जनरेट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मेजर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनकी बेस जो है वो फिस्कल डेफिसिट हो सकती है। डिवेलप ये जो इशू है सिर्फ डिवेलपिंग नेशंस में नहीं होता बल्कि डिवेलप नेशंस में भी होता है। अगर हम थोड़ा सा डाटे को ऑब्जर्व करें तो US का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, Here we need to understand the implications and consequences of increased budget deficit. अब हमें समझना है यहाँ पे कि हमने तो देख लिया कि बजट डेफिसिट होता है, ठीक है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या इसकी क्या implications होती हैं किसी भी इकॉनमी की हेल्थ के लिए। ठीक है, क्या गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्राइवेट सेविंग्स को, ठीक है, या फिर जो क्या है कि जो पब्लिक डेट है वो डिक्लाइन कर देती है प्राइवेट डिमांड फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स है क्या उसको पब्लिक डेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या वो डिक्लाइन में चली जाती है, या फिर क्या जो बर्डन होता है करंट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स का वो फ्यूचर की जनरेशन के ऊपर या फ्यूचर गवर्नमेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि अगर एक गवर्नमेंट ने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेट ले लिया है, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल पे लिया है या फिर इंटरनेशनल दूसरी इकोनॉमी से लिया है, ठीक है, तो क्या वो फ्यूचर की जनरेशन के ऊपर, फ्यूचर की जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और वो उसका बर्डन बर्दाश्त करती हैं। क्या इन्फ्लेशन जो है वो कॉज होती है डेट और डेफिसिट से, ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या इसमें रोल है, और इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट जो है बोरिंग कंटिन्यू करती रहती है अपनी बोरिंग को जिससे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है, और या फिर टैक्स अगर गवर्नमेंट कट करती है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि हम टैक्सेस जो हैं टैक्सेस में कमी करते हैं तो या फिर किसी एक सेक्टर से टैक्स इवेड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम के ऊपर टैक्सेस नहीं है, ठीक है, सो क्या इससे जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, ठीक है, क्या वो उससे रेज होता है या फिर वो उसका उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देखेंगे।
पाकिस्तान का सबसे पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल जो है वो दो दफ़ा आया है, ठीक है। फिस्कल जो बिल था हमने दो दफ़ा दिया, एक 2003 में दिया। इस में क्या हुआ कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द हाई डेट एंड डेफिसिट प्रॉब्लम, ठीक है, कि उस टाइम पे भी हमारा जो इशू था मेन, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे जफरुल्ला खान जमाली साहब, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बलूचिस्तान से जो आए थे, ठीक है, और उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने एक जो वहाँ पे पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, ठीक है, उस टाइम वो, और उस बिल के अंदर क्या था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया और डेट की लिमिटेशंस को जो है मेजर फोकस किया गया। उस बिल के बेसिकली टारगेट्स क्या थे कि टारगेट ये थे कि जीरो रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, ठीक है, यानी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें डेफिसिट हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सरप्लस जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जाहिर है जब जीरो डेफिसिट पे आएंगे तो किसी टाइम पे सरप्लस भी तो जनरेट होगा, जो सरप्लस जनरेट होगा हम उसको मेंटेन करेंगे। इसके साथ जो टारगेट्स में और चीज़ें इंक्लूड थी वो ये थी कि मैनेजर्स जो थे कंट्री के, ठीक है, वो आंसरेबल होंगे पार्लियामेंट को, ठीक है, इनके अगर वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं करते, जो सेट टारगेट पार्लियामेंट के बिल के थ्रू आए हैं, ठीक है, अगर वो उन जो टारगेट्स को फुलफिल नहीं करते तो वो पार्लियामेंट के आगे जवाब दे होंगे, ठीक है। और तीसरा इसमें जो टारगेट था वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है इसमें, कि अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और बॉरविंग्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, ठीक है, पता चले कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स क्या हैं और बॉरविंग्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से जो पैसा है गवर्नमेंट के अकाउंट में वो आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो अगर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं, और जितने भी इश्यूज आते हैं डेट और डेफिसिट से, ठीक है, उनको उनका सोल्यूशन निकालना जो है वो इजी हो जाता है, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना जो है ये भी एक उस बिल का हिस्सा था। इसके साथ साथ रिड्यूस पब्लिक डेट टू 60% ऑफ जीडीपी, ठीक है, 60% ऑफ जीडीपी तक हमने जो डेट को रिड्यूस करने की बात की उसमें, और 2013 में कीप कटिंग इट बाय 2.5% एवरी ईयर, ठीक है, और उसको 2.5 ईयर्स जो है वो 2.5% जो है हर साल में डेट की कटिंग को हमने इंश्योर करवाया। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या थी गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट सबमिट की मैक्रो इंडिकेटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने की मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो सबमिट करवाएगी, लाइक टोटल एक्सपेंडिचर बताएगी, अपना रेवेन्यू बताएगी, टोटल फिस्कल डेफिसिट बताएगी, टोटल पब्लिक डेट बताएगी, ठीक है, टू द पार्लियामेंट, या फिर जो है वो ट्रांसपेरेंट होंगी सारी चीज़ें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन निकाला जा सके। डेट पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की वुड एक्सप्लेन सेट टारगेट्स कंसर्निंग डेट स्ट्रेटजी, और फिर अगर आपने डेट लेना भी है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या सेट स्ट्रेटजी है, या उस डेट को हम रीपे किस तरह से करेंगे, कितने साल का की इंस्टॉलमेंट्स होंगी, ठीक है, उन सारी चीज़ों को एक सेट प्लान होना चाहिए, उन सब की एक सेट पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा बिल आया, ठीक है, वो आया 2005 में, ठीक है, उसमें क्या था, FRDL एक्ट 2005, जिसमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन जिसका नाम था, ठीक है, उसका भी मेन टारगेट यही था कि रिड्यूस हमने रेवेन्यू डेफिसिट जो था उसको रिड्यूस करना था और नील पे लेके आना था या जीरो पे लेके आना था, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सरप्लस जनरेट होना है उसके साथ उसको हमने मेंटेन करना है या फिर उसको साथ लेकर चलना, ठीक है। अब इसमें एक टारगेट सेट किया गया कि अगले 10 साल के अंदर, यानी 2003 से 2013 तक का जो टाइम पीरियड है, यानी 10 साल का ये जो अरसा है, इसमें टोटल जो डेट है हमारा वो 60% ऑफ जीडीपी से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्लान का या इस बिल का जो मेन फोकस था वो ये था कि 10 आइंदा आने वाले जो 10 साल हैं उनके अंदर हमारा जो टोटल डेट होगा, ठीक है, पब्लिक डेट जो होगा वो 60% ऑफ जीडीपी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब शुड बजट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, ठीक है, क्या अब हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, या जितने भी कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ हमें थ्योरीज दी हैं इसके बारे में, या उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या बजट को हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, कि जितने एक्सपेंडिचर हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी रेवेन्यू जनरेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है।
लाइक हाउस होल्ड एंड फर्म गवर्नमेंट शुड ऑल्सो, अगर एक हम कंपैरेटिवली एक लेमैन के तौर पे बात करें तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से एक इंसान या एक हाउस होल्ड जो है या एक फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी जो है वो अपने एक्सपेंसेस को देख के या अपनी जो लिमिट है उसको देखने के बाद अपने एक्सपेंसेस करती है, तो गवर्नमेंट को भी उसी तरीके से करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लिव विद इन देयर मीन्स। ठीक है, कि जितने उसके पास मीन्स हैं जितने उसके पास ताकत है जितनी उसके एक्सपेंडिचर करने की पावर है, ठीक है, उतनी ही एक्सपेंडिचर उसको करने चाहिए और डेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। हम एक आम आदमी को यही मशवरा देते हैं कि जितनी चादर होती है उतने ही पांव फैलाने चाहिए, तो गवर्नमेंट के लिए भी यही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल बेस के ऊपर आते हैं इकोनॉमिक साइड पे, तो जो जेम्स टॉबिन हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, नोबल प्राइज विनर थे, ठीक है, उन्होंने आर्गूमेंट ये किया कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है अदर इकोनॉमिक एजेंट्स से। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड टैक्सेस अल्टीमेट टैक्सेस आ रहे होते हैं और कुछ मॉनिटरी पावर्स होती हैं और इसके पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने सोसाइटी को रन करना होता है पूरी को। ठीक है, अगर किसी डिजास्टर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर कोई भी और किसी तरीके की वार हो जाती है, ठीक है, तो जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसको इन सब चीज़ों को टैकल करना होता है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट तरीके से बनाती है एज कम्पेयर टू एक अदर इकोनॉमिक एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ओनर या फिर हाउस होल्ड वगैरह। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू क्या करते हैं कि पब्लिक डेफिसिट जो है वो इज रॉन्ग बट दे नॉट रिप्लेस विद सरप्लस। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डेफिसिट में जाना रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन वो सरप्लस की बात नहीं करते, वो बैलेंस्ड की बात जरूर करते हैं कि डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए या आप बैलेंस्ड में रहें, ठीक है, लेकिन आपको डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए यानी कहीं से बोरोइंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सरप्लस की बात भी नहीं करते क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए सरप्लस रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात है। ठीक है, सो सरप्लस में जाने की बात जो है इकोनॉमिस्ट नहीं करते बल्कि वो डेफिसिट में लेकिन वो डेफिसिट को एक गलत कॉन्सेप्ट मानते हैं। इंक्रीज टैक्सेस एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर विल फर्दर डिप्रेस द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी अगर एक्सपेंडिचर हमने एक सेट टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्सपेंडिचर्स करने हैं, ठीक है, लेकिन अब हम रेवेन्यू उतने जनरेट नहीं हो रहे, टैक्सेस इतने नहीं आ रहे हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्या टैक्सेस को बढ़ा दें, ठीक है, और टैक्सेस भी बढ़ा दें एक साइड से और दूसरी साइड से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को भी कट डाउन कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो फूड आइटम्स के ऊपर या फिर डिफरेंट और सर्विसेज के ऊपर, एजुकेशन हेल्थ इन सब के ऊपर मजीद टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, एक डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें गवर्नमेंट जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर या फिर डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर इवन लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी, कार बाइक के ऊपर या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है फॉर एग्जाम्पल, तो और साथ साथ क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना भी कम कर दे। ठीक है, एक साइड से आप टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हो और डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो रही है और दूसरी साइड से क्या हो रहा है कि आपके ऊपर गवर्नमेंट जो है कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, कोई नई अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर रही आपके लिए, तो क्या होगा कि इकॉनमी जो है मजीद डिप्रेस्ड सिचुएशन में चली जाती है। ऑलरेडी जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वो मजीद डिप्रेस्ड फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाती हैं और इससे इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है। टॉबिन इसके साथ साथ ये भी आर्ग्यू करते हैं कि देर आर बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स इन फिस्कल सिस्टम। ठीक है, फिस्कल सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स होते हैं, ठीक है, विच गिव इन द सेंस टू बैलेंस, बट इट इफ देर इज अ कंपल्शन ऑफ बैलेंस ऑफ बजट। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इसको हम अपने तरीके के साथ सेट होने दें तो ये स्टेबलाइजर जो हैं वो बजट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अगर हम सही पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट करें। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम जो कंपल्शन लगा दें कि बजट जो है वो बैलेंस ही होना चाहिए या फिर जो डेफिसिट है वो नैरो में होना चाहिए और या फिर सरप्लस में आना चाहिए, ठीक है, ये कंपल्शन है बेसिकली, तो क्या होता है कि जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी को लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मेजर फोकस क्या है, क्या होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, कि सेंसिबल और अप्रोप्रिएट पब्लिक पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करे। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सेंसिबल और अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, अप्रोप्रिएट इन अ सेंस कि जितने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं
उनकी जितनी फिगर्स आ रही हैं और जो इकोनॉमिक थ्योरी से रिलेटेड हैं, ठीक है, हम थ्योरी बेस्ड अपनी पॉलिसीज बनाएं, ठीक है, और उन पॉलिसीज को प्रॉपरली तौर पे इंप्लीमेंट करें अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, बजाय कि हम फिक्सेशन की तरफ जाएं विद बैलेंस ऑफ बजट, ठीक है, हम के फिक्स कर दें कि हमारा बजट जो है वो हर हाल में बैलेंस होना चाहिए, चाहे हम एक्सपेंडिचर्स कम कर दें या फिर हम टैक्सेशन बढ़ा दें, ठीक है, लेकिन बजट हमारा बैलेंस होना चाहिए, तो इससे इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। How much of debt is too much? ठीक है, अब डेट की बात करते हैं कि पब्लिक डेट जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली कितना किसी भी इकॉनमी के लिए चाहिए होता है। गवर्नमेंट हैज बोरोड टू फाइनेंस देयर स्पेंडिंग्स फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर, ठीक है, ये एक जो है हिस्ट्री है हमारी के वर्ल्ड की, के डिफरेंट जो नेशंस हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बोरो करती रहती हैं, ठीक है, ताकि अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने स्पेंडिंग्स हैं, उनको रन कर सकें। एट द एंड ऑफ नेपोलियनिक वॉर, ठीक है, 1815 ब्रिटेन डेट वॉज 164% ऑफ जीडीपी, ठीक है, उस टाइम पे भी 1850 में भी जो ब्रिटेन का डेट था वो 164% ऑफ जीडीपी था, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वो ये डेट जो है वो इवन मजीद ज़्यादा हो गया, 259% ऑफ जीडीपी तक ये पहुंच गया था, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है बोरो करती है फॉर फ्यू रीजंस, ठीक है, बिगेस्ट वन इज टू फाइट वॉर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो वॉर्स को के अंदर वीपन्स लेती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, या फिर जो फूड सर्विसेज हो गई, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके की सर्विसेज जो हैं वॉर में उनको चाहिए होती हैं, तो वो या तो मनी बोरो कर लेती हैं या फिर सर्विसेज की फॉर्म में भी जो कुछ एड वगैरह ली जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट यूज डेट टू कीप इकॉनमी ऑन ट्रैक, ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो इस डेट को लेके क्या करती है कि इकॉनमी को ट्रैक के ऊपर रखने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल इकॉनमी के अंदर जैसे अभी कोविड आ गया, ठीक है, इसने पूरे वर्ल्ड को इवन जो है वो अपने उसमें इम्पैक्ट आया, पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट था इसका, ठीक है। सो जो डेवलपिंग नेशंस थी उनके पास तो इतना सरप्लस नहीं होता कि वो अपनी इकॉनमीज को, अगर पूरा लॉकडाउन भी लग जाता है, पूरे साल का लॉकडाउन लग जाता है, तो वो अपनी इकॉनमीज को चला सकें। सो इकॉनमी जो है वो इस तरह एट द टाइम ऑफ नीड या एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी दूसरी इकॉनमीज या डेवलप नेशन से बोरो करती हैं मनी, ठीक है, ताकि वो अपना जो इकोनॉमिक सर्कल है उसको रन कर सकें। टू रेज मनी गवर्नमेंट शुड इशू बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट क्या पब्लिक डेट में क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स वो बॉन्ड लेते हैं और एंड आर रैपिड ओवर अ फिक्स टर्म विद इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, और फिर उसको रीपेड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दैट बॉन्ड, ठीक है। ही हाउ डिजायरेबल दीज बॉन्ड्स आर टू इन्वेस्टर डिपेंड ऑन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बॉन्ड जो है कितने ज़्यादा डिजायरेबल हैं, ये चीज़ शो करती है उस पर्टिकुलर कंट्री की, उस पर्टिकुलर नेशन की क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है, जितने उसके इन्वेस्टर जो हैं वो उन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, ठीक है, वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस होगी। वंस बॉन्ड सोल्ड बाय द गवर्नमेंट आउट इन द मार्केट इट कैन बी स्टैक्ड, ठीक है, जब गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है, ठीक है, तो जब वो सोल्ड हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टैक हो जाते हैं और ट्रेडेड होते हैं एज मैनी टाइम्स एज पीपल केयर टू, ठीक है, जितना पीपल जो है वो उसको मजीद रेप्लिकेट करते जाते हैं, हैंड टू हैंड जो है वो बॉन्ड शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है, सो लोग उसको आज मैंने लिया बॉन्ड, ठीक है, कल वो मैं बॉन्ड किसी और दूसरे बंदे को बेचूंगी, ठीक है, वो अगला जो है वो नेक्स्ट डे किसी और को वो बॉन्ड जो है वो बेच देगा। सो बॉन्ड्स जो है वो इस तरह से उनका सर्कल जो है वो चलता रहता है इकॉनमी के अंदर। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर बॉट बाय मैनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है, अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेते हैं और उनको इंक्लूडिंग पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, ठीक है, बैंक्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक जो है वो भी उन बॉन्ड्स को खरीद सकता है और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी उन बॉन्ड्स को खरीदती हैं।
ठीक है। सो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि बेसिकली पब्लिक डेट जो है वो आता कहाँ से है, और जो डेफिसिट है ठीक है उसको थ्योरीज क्या हैं, थ्योरीज क्या कहती हैं, या इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि डेफिसिट जो है वो कितना होना चाहिए, या उसकी क्या क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो टॉपिक्स रिमेनिंग इस चैप्टर के वो हम कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।